नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में अगले साल किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के इस ऐलान से 1 लाख और किसानों के इसके दायरे में आने की उम्मीद की है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता में है। इस साल 50,000 तक का लोन माफ करने का उपाय बजट में किया गया है। अगली बार इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को इसलिए बंद किया गया क्योंकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। लोन माफी के योग्य कर्जदार किसानों के फेहरिस्त में 9,07,778 किसानों को फेहरिस्त बैंकों ने तैयार की है। एनपीए हो चुके कृषि कर्ज को लोन माफी के योग्य किसानों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने एक ही परिवार के एक ही सदस्य के एक ही कर्ज में से 50,000 तक का लोन माफ करने का फैसला किया है। इनमें 50,000 के ऊपर लोन वाले का भी 50,000 ही माफ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।